हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज हम दोस्तों आपको जानकारी देंगे एक्टिकॉर्ट 10 mg टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि दोस्तों इसके उपयोग किस बीमारी में किए जाते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्या इसका प्राइस है, क्या क्या सॉल्ट्स वगैरह इसमें डाले गए हैं और ये कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हम करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू। एक्टिकॉर्ट 10 mg टेबलेट जो है दोस्तों, इसको बनाया जाता है ओवरसीज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा। इस टेबलेट में दोस्तों एक सॉल्ट डाला गया है जिसका नाम है प्रेडनिसोलोन, जो कि 10 mg के रूप में इस टेबलेट में डाला गया है। ओके, और दोस्तों प्राइस एंड पैकिंग की बात की है तो दोस्तों इसका प्राइस जो है 10 टेबलेट्स की पैकिंग एक स्ट्रिप का इसका प्राइस है लगभग 11 रुपये के करीब। ओके, अब इसका MRP जो है दोस्तों 10.97 रुपये MRP है, तो ये प्राइस जो है दोस्तों कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैं आते टाइम पे पता लगेगा कि जिस टाइम पे हम टेबलेट को ख़रीदने के लिए जाएंगे कि इसका करंट प्राइस जो है कितना चल रहा है, तो मैं तभी पता लगेगा। ओके, अब बात करें दोस्तों के उपयोग के इसके फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों एक्टिकॉर्ट 10 mg टेबलेट जो है एक स्टेरॉइड टेबलेट है। ठीक है, इसका उपयोग जो है दोस्तों विभिन्न प्रकार की बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रियाएं, एलर्जी की स्थिति, अस्थमा, आमावती विकार, स्किन और आंखों के कुछ रोग जो होते हैं। ठीक है, और साथ में दोस्तों नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होते हैं उनका इलाज करने के लिए एक्टिकॉर्ट 10 mg टेबलेट का उपयोग जो है दोस्तों किया जाता है। यह टेबलेट जो है क्या है दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाता है और सूजन से भी राहत प्रदान में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों एक्टिकॉर्ट 10 mg टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेट की खराबी, भार बढ़ना, व्यवहार परिवर्तन, मनोदशा में बदलाव। तो ये दोस्तों कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट जो ना मैंने आपको बताए हैं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं एक्टिकॉर्ट 10 mg टेबलेट के उपयोग के दौरान। वैसे दोस्तों ये जो साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें क्या है कि सही डॉक्टरी देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, और जैसे जैसे आपकी बॉडी जब दवा के साथ तालमेल बना लेती है तो साइड इफेक्ट्स भी आपकी बॉडी से धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक बने रहें आपकी बॉडी में, आपको लंबे समय तक परेशान करें, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं एक्टिकॉर्ट टेबलेट जो है ये कैसे काम करती है हमारी बॉडी पे। तो ये क्या है दोस्तों, ये जो टेबलेट जो है एक स्टेरॉइड टेबलेट है। ओके, स्टेरॉइड ग्रुप में इसे जाना जाता है। ये क्या है दोस्तों, शरीर में कुछ रासायनिक दूत जो होते हैं उनके उत्पादन को ख़त्म करके काम करती है, जो सूजन लालिमा जो होती है और जो एलर्जी जो होती है उनके कारण बनते हैं उनको ख़त्म करने का काम करती है। ओके, तो ये थी जानकारी दोस्तों एक्टिकॉर्ट 10 mg टेबलेट के बारे में। अगर आपको जानकारी इजीली हिंदी भाषा में समझ आ चुकी है तो आप वीडियो को कीजिए लाइक एंड चैनल को कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।